बालों को काला करने के लिए आप इस हेयर ऑयल को बनाकर रख लें और इसका यूज़ करें आप इसे हेयर डाई भी कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तब तुम कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से होंगे फ्रेंड्स अगर आपके भी बाल उम्र से पहले ही सफेद होने शुरू हो गए हैं तो आप इस हेयर ऑयल का यूज करें इसे लगाने के बाद ना ही आपको बाल धोने की झंझट है ना ही आपको इसे सुखाने की आप कभी भी किसी भी समय इसका यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके बालों में धीरे धीरे ये हेयर डाई असर करने शुरू कर देगी तो चलिए फटाफट से इस हेयर ऑयल को बनाना शुरू करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर एक मीडियम साइज का एलोवेरा लीफ लेनी है एलोवेरा लीफ के फ़ायदे तो आप सभी को पता है कि ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे बालों के लिए हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये नेचुरल होता है और साथ साथ यहाँ पर मैंने एक करी लीव का मैंने पत्ता भी लिया है इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं सिर्फ थोड़े थोड़े का ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इतना ही काफ़ी रहेगा तो आपको यहाँ पर चाकू की मदद से इसे छोटे छोटे बारीक शेप में इसे कट कर लेना है ताकि इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर सकें फ्रेंड्स इसके साइड्स वगैरह को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल मीडियम साइज की है और इसमें ये बहुत ही नरम है तो इसका हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे आप चाहे तो इसके साइड्स को निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और ये जो मैंने कड़ी पत्ता लिया है ना इसको भी ऐसे करके इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारे बालों के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है पूरी तरह से नेचुरल चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो आपको यहाँ पर एक ग्राइंडर जाल लेना है और इसमें आपको दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेना है इसका हमें बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है इसे डालने के बाद ना इसमें हमें एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है वो है कलौंजी। कलौंजी के फ़ायदे तो आप सभी को पता है ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और साथ साथ बालों को काला करने में भी ये उतनी ही फ़ायदेमंद है तो आपको यहाँ पर एक चम्मच भर के आपको कलौजी का यूज़ करना है अगर आपके पास यहाँ पर इसकी जगह कलौजी पाउडर हो तो आप उसका ही यूज़ कर लें तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच डाल दिया है भर के अब यहाँ पर आपको इसे पीसने के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल ऐड कर लेना है पानी का यूज़ आपको यहाँ पर नहीं करना है और इसका हमें बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है तो ये यह देखें यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसका पीस लिया है बिल्कुल बारीक सा आपको इसका पेस्ट बनाना है तो इसे हम निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेंगे या फिर इसी में रहने देंगे और उसके बाद आपको इसे बनाने के लिए ना आपको यहाँ पर एक आयरन की कढ़ाई लेनी है लोहे की कढ़ाई का ही यूज़ करना है आपको क्योंकि अगर हम यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये रेमेडी हमारे बालों के लिए तो आधा कप से थोड़ा सा कम ही यहाँ पर मैंने कच्ची खाने का सरसों का तेल लिया है सरसों का तेल ही हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इस रेमेडी में खासकर आपको सरसों के तेल का ही यूज़ करना है और उसी में आपको जो आपने पेस्ट बनाया था ना आपको वो इसमें ऐड कर लेना है तो फ्रेंड्स यकीन माने ये रेमेडी इतनी ज़्यादा बेहतरीन बनकर तैयार होगी ये हेयर ऑयल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला आपके बालों के लिए तो फ्रेंड्स आप सब कमेंट करके भी बता दें कि हमारी वीडियोज़ को किन किन जगहों से देख रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियोज़ किन किन जगहों पर पहुँच रही हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे पूरा डाल दिया इसमें अच्छी तरह से निकाल कर अब इसे में हमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने हैं बहुत ही फ़ायदेमंद ये हेयर रेमेडी बनकर तैयार होगी अगर आप इसका प्रॉपर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके बालों पर ये बहुत ही जल्दी वर्क करेगी तो आपको यहाँ पर ना एक नेहा कलर मेहंदी जो आती है ना वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इसी को आपको यूज़ कर लेना है तो यहाँ पर मैंने एक पूरा पाउच यहाँ पर डाल दिया है जो दस वाला पाउच आता है ना उसी का आपको यूज़ करना है तो इसे डालने के बाद आपको यहीं पर कॉफ़ी पाउडर यूज़ करना है आपको यहाँ पर एक चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर यूज़ करना है तो यहाँ पर मैंने एक पाउच यहाँ पर डाल दिया छोटा पाउच जो आता है दो रुपए वाला वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है तो सबसे पहले इसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ही आप यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन करें तो इस तरीके से ना आप इसे खूब बढ़िया से मिक्स कर लें ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें तो ये देखिए और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया था अब ये धीरे धीरे पकना शुरू हो गई है तो यहाँ पर ना आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे पकाना है कम से कम पाँच मिनट के लिए ना इसी तरह से आपको प्रॉपर चलाते हुए आपको पकाना है नहीं तो यहाँ पर मैंने ऑयल का यूज़ किया है ना ये नीचे से मेहंदी जो हमने यूज़ किया है ना जो कलर मेहंदी हमने यूज़ की यहाँ पर वो नीचे धीरे धीरे लगनी शुरू हो जाएगी तो आप ना इसे बराबर ही चलाते रहें इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं अगर आप इसका यूज़ कर लेंगे तो आपके बालों में जो उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगी अगर आपके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके हैं तो भी आप इस हेयर ऑयल को बनाकर तैयार कर लें और आपका जब दिल चाहे आप इसका यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये इस तरह से आप इस हेयर ऑयल को बनाकर कम से कम महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इसको आप बराबर यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है आप एक महीने के लिए बना लें और जब ये ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से इसी तरह से बनाकर रख लें और उसका भी यूज़ करें तो फ्रेंड्स इसे आप ना मेल फीमेल हो चाहे जो भी हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसे आप बनाकर तैयार करें और यहाँ पर सरसों के तेल का ही आप यूज़ करें सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है तो फ्रेंड्स इसे मैंने पाँच मिनट के लिए टोटल पका लिया आप गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद इसे किसी भी बर्तन में आप निकाल लें तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया और इसमें यह अच्छे से ठंडा हो चुका है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन ये हेयर ऑयल या फिर हेयर डाई जो भी आप कहें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये बनकर तैयार हुआ है इस तरीके से इसे निकाल लेंगे और उसके बाद अभी इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स डालना बाकी है फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आपके बालों के लिए तो ये देखें बहुत ही अच्छी सी रेमेडी बनकर तैयार हुई है इस तरीके से आप इसे बना लें और उसके बाद इसी में आपको ऐड करना है यहाँ पर विटामिन ई का एक कैप्सूल आपको यूज करना है विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है तो फ्रेंड्स ये जो हेयर ऑयल मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ ना इससे आपके बाल तो काले होंगे ही होंगे लेकिन साथ साथ आपकी बालों की हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी तो आपको यहाँ पर एक विटामिन का कैप्सूल यूज़ कर लेना है इसमें डाल देना है फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनकर बहुत ही पावरफुल ये बनकर तैयार हो रही है तो इस तरीके से ना आप बना लें और इसको आपको डालने के बाद ना इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लेना है इस तरीके से आप बना कर ना इसे रख लें किसी भी आप गाँच का जार ले लें आप उसमें इसे डालकर अच्छी तरह से इसे बंद करके इसके ढक्कन को आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं वन मंथ के लिए और आपका जब दिल चाहे इसे यूज कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स इसका यूज़ करें बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो फ्रेंड्स अगर आप सबको आज की हेयर ऑयल की रेमेडी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इस रेमेडी का फ़ायदा उठा सकें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा साथ साथ में जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़